मैं राघव कुमार और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में राघव आईटी। आज हम बात करेंगे आउटलुक के बारे में, हम आउटलुक को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं। कॉन्फ़िगर करने से पहले जान लेते हैं आउटलुक क्या है। आउटलुक जो है हमारा एक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। आउटलुक हम क्यों यूज करते हैं, ये हमारे जीमेल, रेडिफ या फिर याहू कोई भी हमारा अकाउंट हो उसी की तरह बिल्कुल काम करता है। आप इसको जो है बिना वेब ब्राउजर के भी एक्सेस कर सकते हैं, आउटलुक को यूज कर सकते हैं, चाहे आपके पीसी या लैपटॉप में इंटरनेट ना हो तभी भी आप अपनी ईमेल्स को रीड कर। आइए जानते हैं हम इसको कैसे कॉन्फ़िगर करें, कैसे इसको यूज करें। चलिए दोस्तों, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि आउटलुक कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सर्च बॉक्स में आया मैं और मैंने टाइप किया यहाँ पर आउटलुक। यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2007, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक करा इस पर मेरे को यहाँ पर पे एक विज़ार्ड खुल करके आया है, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ एंड अगेन नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर दिखा रहा है ऑटो अकाउंट सेटअप। यहाँ पर मैं जैसे ही फिल करूँगा अपना नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, डेटा पासवर्ड, ये मेरे को ऑटोमेटिकली अकाउंट जो है कॉन्फ़िगर करके दे देगा। बट मैं आपको मैनुअली करके दिखाता हूँ। मैनुअली पे मैंने क्लिक करा और नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है इंटरनेट, ईमेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, कनेक्ट टू योर पॉप, आईमैप और HTTP सर्वर। ये तीन जो है प्रोटोकॉल होते हैं। पॉप का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, आईमैप का मतलब होता है आई इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल और HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट टर्मिनल प्रोटोकॉल। तो हमें इंटरनेट ईमेल सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर मैं अपना नाम देता हूँ, योर नेम। यहाँ पर मेरे को अपनी मेल आईडी दे देनी है, मैं मेल आईडी दे देता हूँ अपनी। पॉप के थ्रू आपको अकाउंट बना के दिखाता हूँ। तो इनकमिंग मेल सर्वर डाल देता हूँ मैं, SMTP मेल सर्वर सेम मेरा यही रहेगा। यूजर नेम में मैं अपनी मेल आईडी डाल देता हूँ और मैं अपना नाम जो मेरे को रखना है मैं वो भी यहाँ पर डाल सकता हूँ। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड दे दूंगा जो भी मेरा पासवर्ड है। मोर सेटिंग पे क्लिक करूंगा, आउटगोइंग सर्वर टैप पर आऊंगा और माई आउटगोइंग सर्वर पर क्लिक कर देना है। एडवांस टैप पर आऊंगा, इनकमिंग सर्वर जो है मेरा 110 है इसको डिफॉल्ट यही रहने देंगे। आउटगोइंग सर्वर पर आएंगे, SMTP पर आएंगे और इसको कर देंगे हम 587। लीव अ कॉपी ऑफ मैसेजेस ऑन द सर्वर, आप चाहो तो इस पर भी टिक कर सकते हो जिससे कि आपकी एक कॉपी वहाँ पर रहे, एक कॉपी आपकी आउटलुक पर आती रहे। मैं इस पर टिक कर देता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। एक बार अपने अकाउंट को चेक कर लेता हूँ, अगर कोई गड़बड़ होगी तो यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, अदरवाइज सही है तो यहाँ दोनों तरफ टिक आ जाएगा। स्टेटस में दोनों जगह कंप्लीटेड आपको शो हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर दोनों जगह शो हो गया है। चलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और फिनिश करता हूँ। आउटलुक जो है मेरा कन्फिगर हो चुका है। एक बार सेंड रिसीव करके देख लेता हूँ मैं। ये जो मेरा अकाउंट है ये सिंक्रोनाइज हो रहा है मेरे अकाउंट से। जो भी मेरी मेल्स मेरे सर्वर पर होंगी वो सभी मेल्स मेरे को यहाँ पर शो हो जाएंगी। आप इसको देख सकते हैं कितना यूजर फ्रेंडली है ये। आप इसको बिल्कुल जैसे जीमेल या रेडिफ मेल या वो आप जैसे यूज करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप इसको यूज कर सकते हैं। तो महज 3 या 4 मिनट में जो है हम अपने आउटलुक को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।